एक छोटा सा देश जो पहली बार 1948 में दुनिया के नक्शे पर उभरता है, उसके बाद अभी तक वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। चुनौती कोई एक नहीं है। अंदाजा लगाइए कि जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही थी, उस देश के सामने सिर्फ कोरोना से निपटने की चुनौती नहीं थी, वो राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। अपने ऊपर आतंकवादी हमले झेल रहा था, एकजुट हुए मुस्लिम देशों की मुखालफत का सामना कर रहा था। ऐसे माहौल में भी उस देश ने कोरोना से निपटने में मिसाल कायम की। हम बात कर रहे हैं इजराइल की, एक ऐसा देश जिसने सबसे विपरीत परिस्थितियों में सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना से जंग लड़ी, जहां अब हर जगह मास्क पहनना जरूरी नहीं रह गया है, स्कूल खुल गए हैं। इजराइल ने काफी हद तक कोरोना को कंट्रोल कर लिया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिस कोरोना से अमेरिका और यूरोप के शक्तिशाली देश परास्त हो गए, उसे इजराइल जैसे देश ने कैसे पस्त किया, एक छोटे से देश ने कैसे पाई इतनी बड़ी कामयाबी, और हमें इस देश से क्या सीखने की जरूरत है। सबसे पहले जानिए कि इजराइल ने कोरोना को कंट्रोल कैसे किया। कोरोना से निपटने में वैक्सीन के महत्व को इजराइल अच्छे से समझ चुका था। इजराइल ने मास लेवल पर वैक्सीनेशन करवाया, उसने अपनी 80% जनता को वैक्सीन लगवाई और उसके बाद मास्क लगाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। स्कूलों के दरवाजे खुल गए। हालांकि अभी भी कोरोना का इंडोर प्रोटोकॉल जारी है, यानी भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना जरूरी है। इजराइल में कैसे चला वैक्सीनेशन ड्राइव? इजराइल ने 19 दिसंबर 2020 को लाखों की संख्या में वैक्सीन खरीदी और अपने देश के नागरिकों का टीकाकरण शुरू किया। महामारी से निपटने की दिशा में इजराइल की सरकार ने हर मौके पर सक्रियता दिखाई। इजराइल ने टेस्टिंग की स्पीड बढ़ाई, लोगों को क्वारंटीन में सहूलियत दी। इजराइल ने पहले ही तय किया था कि वो 16 साल की उम्र से ज्यादा हर नागरिक के टीकाकरण के लक्ष्य पर चलेगा। इसी हिसाब से अलग अलग लेवल्स में एक निश्चित टाइम का खाका बनाया। यरूशलम जैसी जगह में बड़े स्टेडियम को ही वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया। यहाँ लोग बीमा कार्ड लेकर पहुँचने लगे। वैक्सीन लगवाने का प्रोसेस भी बहुत साधारण रखा गया, जिससे लोगों को वैक्सीन लगवाने में सहूलियत हो। यहाँ बीमा कार्ड को स्वाइप करने के बाद कुछ ही देर के प्रोसेस में लोगों को फाइजर बायोनटेक का डोज मिल रहा था। वैक्सीन की सप्लाई और उसके बैकअप का भी ख्याल रखा गया था, ताकि लोगों को दूसरा डोज भी वक्त पर मिल जाए। इसराइल इस साल के अप्रैल महीने तक 16 साल से ज्यादा उम्र के 81% आबादी को टीका लगा चुका है। एक छोटे से देश की बड़ी कामयाबी। इजराइल की तरह कोरोना को काबू में करने के लिए ये जानना जरूरी है कि कैसे इस छोटे से देश ने मेहनत, अनुशासन, डिटर्मिनेशन के साथ ऐसा करने में कामयाबी हासिल की। दुनिया भर में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान को देखते हुए जिस तरह से इजराइल ने अपने देश में टीकाकरण कराया, वो हर देश के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी तर्क हैं कि इजराइल की आबादी लगभग 1 करोड़ से कुछ कम है, इसलिए वो मास लेवल पर वैक्सीनेशन करवाने में सफल रहा। ये कहा जा सकता है कि कम आबादी इजराइल को कोरोना मुक्त करने में काफी प्रभावी रही, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जिस तरह का संकल्प इस देश ने दिखाया, उससे इस देश को कोरोना से मुक्ति मिल पाई। कोरोना वैक्सीन लगाए जाने से इजराइल में हालात बहुत बदल गए हैं। जनवरी महीने के मिड में जहाँ इजराइल में हर दिन 10,000 नए मामले सामने आ रहे थे, वहीं अब हर रोज 200 केस ही सामने आ रहे हैं। फिलिस्तीन से जंग के बावजूद इजराइल ने कोरोना पर काबू पाया। दुनिया के नक्शे पर इजराइल के उभरने के बाद से ही उसे फिलिस्तीन से प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। हिंसा का लंबा इतिहास है, दोनों पड़ोसी देशों में जंग जैसे हालात बने रहते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना है। बाइबल में प्रभु ने इजराइल के इलाके का चुनाव यहूदियों के लिए किया था, इसलिए पूरी दुनिया के यहूदी इसे अपना घर मानते हैं। हालांकि यहूदियों को कई बार इसी जगह अत्याचारों का सामना करना पड़ा है और यहां से बेदखल भी होना पड़ा है। वहीं फिलिस्तीनियों का मानना है कि वे लोग हमेशा से यहां के मूल निवासी रहे हैं, इसलिए इस जगह पर उनका अधिकार है और वो किसी भी स्थिति में उसे नहीं खोना चाहते हैं। इसी साल मई महीने में इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग हुई। जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, इजराइल कोरोना के साथ हमास के हमलों का भी सामना कर रहा था। इजराइल के कोरोना मुक्त होने में लोगों का योगदान। किसी भी देश में चलाया जा रहा अभियान उस देश के नागरिकों के बिना पूरा नहीं हो सकता। इजराइल ने कोरोना मुक्त होने का जो अभियान चलाया, उसमें वहाँ के लोगों ने भी सरकार का सहयोग किया। कोरोना के मामले में इस देश ने बहुत ही अनुशासन दिखाया है। एक बार मास्क लगाने की घोषणा हो गई तो फिर किसी ने सवाल नहीं किया। लोगों ने शारीरिक दूरी का पूरा ख्याल रखा। इसके लिए वहां की पुलिस को दूसरे देशों की तरह एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ी।
इसी तरह की मुस्तैदी और लोगों का अनुशासन टीकाकरण अभियान में भी देखा गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो उन सब देशों को इसराइल से सीख लेनी चाहिए जहां अभी भी कोरोना के खिलाफ जंग चल रही है। इसराइल ने बताया कि आपदा के समय में कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर सभी लोग इस समस्या से निपटने में अपना योगदान दें तो जल्द ही इस महामारी को कंट्रोल किया जा सकता है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ऐसी जरूरी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।